In question number 6, if angular velocity of the Earth about its axis is omega, then the height of the geostationary satellite above the surface of Earth should be. तो क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस से मान लीजिए यहां पर h दूरी पर, यहां से h दूरी पर एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है और इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा तो जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो उसके बराबर होगा. ठीक है, तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है t वो है 2 पाई बाय ओमेगा. तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, फ्रॉम केपलर्स लॉ आई कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इनटू आर का क्यूब. ठीक है, अब आर जो होती है वो सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन से मेजरमेंट होती है, तो ये इसका सेंटर ये है, तो यहां से जो सेपरेशन होगी ये तो हो गई आर और यहां से हो गई ये एच. ठीक है, तो आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का क्यूब. ओके, एंड आई नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो इसका मैं लिख देता हूं दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू आर प्लस एच का क्यूब. ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर प्लस एच के क्यूब की जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी जीएम अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मैं क्यूब रूट ले लेता हूं, तो आर प्लस एच हो जाएगा जीएम अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/3. तो मुझे एच के लिए कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा माइनस आर और कर दूंगा. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड वी स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट रेट डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा वी वेर एम इज द मास एट दैट इंस्टेंट एंड अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट. नाउ वॉट इज फर्दर गिवन इन द क्वेश्चन, अज्यूम दैट द इंटरप्लेनेटरी डस्ट स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट स्टिक टू इट, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट. तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले. तो मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है. ठीक है, तो जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है सैटेलाइट, इस पाथ पे मूव कर रही है सैटेलाइट, तो जब ये सैटेलाइट इस पाथ पे मूव कर रही है तो इसके पास में जो डस्ट पड़ी हुई है वो उसको स्टिक कर रही है और उसकी जो रेट है स्टिक होने की वो दे रखी है डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी. ठीक है, नाउ किसी इंस्टेंट पे मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी अगर वी है. ठीक है, और ये कहा गया है कि इसकी स्पीड जो वी है वो कांस्टेंट रहेगी, तो किसी इंस्टेंट पर इस सैटेलाइट का जो मोमेंटम होगा उसको मैं लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू एम इंटू वी. ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही होगी एफ टी वो होगी डी बाय डी टी ऑफ मोमेंटम एट दैट इंस्टेंट इन दैट डायरेक्शन और वो होगा एम इंटू वी. ठीक है, अब क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं और ये हो जाएगा डीएम बाय डी टी. ठीक है, तो डीएम बाय डी टी क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा इंटू वी, तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू वी स्क्वायर और ये हो जाएगा मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ए टी क्या आएगा, अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एम. ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और अगर इस पे लगने वाला सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन अगर मैं देखता हूं, एसी इज इक्वल टू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो वो हो जाएगा आर. ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम गो अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन. वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल. देखिए, दो पार्टिकल है, मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है और ये सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं. तो जब ये
सर्कल के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं इसका स्पीड वी है और इसका स्पीड भी वी है, तो इस पे जो लगने वाली फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल, और वो फोर्स होगी जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। अगर इस सर्कल की रेडियस आर है तो जो सेपरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2R का स्क्वायर, तो यानी 4R स्क्वायर। एंड फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर, सो दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अंडर रूट GM बाय R। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। तो अगर मान लीजिए इस पार्टिकल को हम A बोलता हूं और इसको B बोलता हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस ऑफ माइनस V, तो ये हो जाएगा 2V। सो द आंसर इज अंडर रूट GM बाय स्मॉल r। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ विथ ए स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ द एस्केप स्पीड। तो अर्थ की सर्फेस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, और इसकी जो स्पीड है मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास कैपिटल m है, अर्थ की जो रेडियस है वो r है, और इसको v स्पीड से फेंका है। तो v स्पीड जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी होती है 2 टाइम्स gm बाय r। तो जब इस पार्टिकल को फेंकूंगा तो ग्रेविटेशन फोर्स अपोजिट एक्ट हो रही होगी, तो इस पार्टिकल की स्पीड रिड्यूस होती जाएगी और किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो उस इंस्टेंट पर अर्थ की सरफेस से इसकी हाइट मान लीजिए h है। अब क्योंकि पार्टिकल का मोशन इज ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। सो नाउ आई एम अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की मैं मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर देता हूं। तो इनिशियल स्टेट की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m v का स्क्वायर 1/16 इंटू 2 gm बाय r प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस g कैपिटल m स्मॉल m बाय r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस कैपिटल g m स्मॉल m बाय r प्लस h। तो अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं देन आई विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ h कम्स आउट टू बी r बाय 15। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सो इन क्वेश्चन 10 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड इन द गिवन फिगर इज, वेयर इट इज गिवन दैट कैपिटल M इज द मास ऑफ द रिंग एंड लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड एंड R इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो देखिए अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है बिटवीन रिंग एंड सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, तो मैं रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लिख देता हूं। तो यहां से अगर मैं x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट लेता हूं dx लेंथ का, तो ये dm हो जाएगा, इसका मास होगा लैम्डा इंटू dx, और ये जो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट हो रहा होगा वो होगा कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये मैंने यूज कर लिया। तो इतना ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पर है और वो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, तो इंटू मास मल्टीप्लाई कर दूंगा उस पॉइंट पर, मास होगा लैम्डा डी एक्स, सो दैट इज द फोर्स डी एफ एक्सपीरियंस बाय द एलिमेंट एट दैट लोकेशन। अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट की बात करता हूं तो उस पर भी फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, तो हर एलिमेंट पर फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं सीधा इंटीग्रेट कर देता हूं। तो ये मेरा डीएफ है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, मुझे नेट फोर्स मिल जाएगी। तो वेरिएबल है एक्स, एक्स की लिमिट जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो मुझे यहां पर नेट फोर्स मिल जाएगी एफ, तो दैट इज इक्वल टू, तो इसमें से मैं कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो जी एम लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया, एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
और इंटीग्रेशन है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो देखिए, अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो x dx हो जाएगा t dt। डिफरेंशिएट करने के बाद आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x dx, t स्क्वायर का भी 2t dt, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो यानी जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा t dt डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है टी स्क्वायर के बराबर, तो अंडर रूट लूंगा तो टी और उसका क्यूब करूंगा तो टी क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर। तो 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन टी, तो माइनस 1 अपॉन टी, तो टी की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो दैट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो माइनस साइन को अगर मैं पहले बाहर ले आता हूं तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा 0, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो मुझे मिलेगा माइनस 1 बाय आर, यानी नेट वैल्यू जो इंटीग्रेशन की मिलने वाली है वो है 1 अपॉन आर। तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम लैम्डा अपॉन आर। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11।